हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, चौकीदार योगी के राज में हुई निर्भया जैसी दर्दनाक घटना, गैंग रेप कर लड़की के प्राइवेट पार्ट में डाला डंडा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। यहाँ के 5 दबंगों को एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप कर उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। पीड़ित लड़की का इलाज कानपुर देहात जिला अस्पताल में चल रहा है। हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक ये घटना यूपी के कानपुर देहात के सट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। गांव में प्रीति अपनी बड़ी बहन और माँ के साथ रहती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रीति का कहना है कि वो मंगलवार को अपने छत पर बैठी थी, तभी इलाके का दबंग दीपू अपने 4 दोस्तों के साथ आया और उसको उठाकर जंगल में ले गया। दीपू और उसके दोस्तों ने प्रीति के साथ गैंग रेप किया, अपनी पेशाब पिलाई और उसके प्राइवेट पार्ट में कुल्हाड़ी का डंडा डाल मरा समझकर छोड़ दिया। बेटी के बलात्कार की शिकायत करने गई सुधा की मां को थानेदार ने भगाया। पीड़िता की मां का कहना है कि यदि उसकी शिकायत पहली बार में सुन ली जाती तो उसकी दूसरी बेटी को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। प्रीति की मां का कहना है कि गुंडे पहले प्रीति की छोटी बहन का भी रेप कर चुका है। जब उस रेप की रिपोर्ट लिखवाने गई थी तो थानेदार दिग्विजय सिंह ने गाली देकर भगा दिया था। प्रीति की मां का कहना है कि पुलिस के इस रवैये के बाद गुंडों का मन और बढ़ गया था और उन्होंने उसकी दूसरी बेटी के साथ गैंग रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पुलिस मामले की लीपापोती करने में जुटी गई है। कानपुर देहात जिला अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर कुमकुम शर्मा का कहना है कि जांच में पता चला है कि सुधा के साथ रेप हुआ है। वहीं बिना मेडिकल जांच रिपोर्ट के जिले के एसपी राधेश्याम का कहना है कि सुधा के साथ रेप नहीं हुआ है, ये मामूली मारपीट का मामला है और थाने में दोनों तरफ से मारपीट की रिपोर्ट दर्ज किया गया है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।